प्रियंका और अंकित साथ में एक म्यूजिक वीडियो कर रहे थे, आप और आपके फ्रेंड उनके साथ आपका कोई नया वीडियो हम देख सकते हैं? अरे यार, आई थिंक हमारी गलती बस यहीं पे हो गई, हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे. नहीं, पर वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड अंकित, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर. एंड मेरा और फमान का म्यूजिक वीडियो यार अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है, मुझ तक तो नहीं पहुंचा है, तो अगर आएगा तो माय नॉट आना चाहिए साथ में. अर्चना भी अंदर है. अर्चना भी अंदर है. हां आई है. सरप्राइज कैसे दे दिया. अच्छी बात है, मिलेंगे, मजा आएगा. एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि आप जो सिंबल टॉपिक जी जो अंदर गए थे बिग बॉस में और आने के बाद में उनका एक नया वर्जन, व्हाट यू फील आने के बाद जो आपने खुद से सीखा रहेगा और वो सारी चीज़ें क्या आपने एनालाइज किया, एच एंड एवरीथिंग क्या अपग्रेडेशन है आपने जो अपने माइंड में धीरे दिमाग में आपने कुछ अपग्रेड किया था? आई थिंक इवन शी नोज दिस थिंग दैट मैं थोड़ा सा और ज़्यादा काम हो गया बाहर आने के बाद. अच्छा, अभी कितनी तो शांत हूँ मैं. हाँ, मतलब कितनी प्यारी बात. मैं पेशेंट ना हूँ, मतलब पहले से ज़्यादा वही तो बोल रही हूँ. हाँ, हाँ ले गया है ना, मजा आ गया. अभी फिर से बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी अभी करना मेरे से. हाँ हाँ सर, रुको ना भाई, बाद में जाओ ना यार, अलग एंगल है इनका भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर आने के बाद से और ज़्यादा यू नो पेशेंट हो गया हूँ, बहुत पेशेंस लेवल बढ़ गया है मेरा. मैंने नहीं बोला है. एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब अच्छे से ले रही है. लाइक शी हैंडल्स इट अच्छे से. बस सॉरी, तुम्हें थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई है, वो अलग बात है कि लाइक मतलब अगर मेरे और अपने को पता नहीं है वहाँ पे मुझे कितने लोगों की संगत मिली और किस किस की मिली है. बट अभी हमें और अभी का कभी झगड़ा होता है तो वो हर बार बिग बॉस आती है कि बिग बॉस नहीं चल रहा है यहाँ पे, तुम ऐसे नहीं बोलो. नहीं 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 वो कुछ